सब्सक्राइब कीजिए OCFE चैनल को और बेल आइकन को दबाइए चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पानी इस दुनिया में हर तरफ और हर जगह मौजूद है, चाहे वो समुद्र हो, नदियां हो, इंसानों द्वारा बनाई गई झीलें या फिर तालाब हो, और यहाँ तक कि आपका और मेरा शरीर भी। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पानी सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। आप न जाने दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शायद पानी एक जीवित वस्तु है? जी हाँ, मुझे पता है आपको यह सुनकर शॉक लगा होगा। दोस्तों, पानी हमारी और आपकी बातों पर रिएक्ट कर सकता है। कैसे? इस वीडियो को देखते रहिए और पानी का ये रहस्य मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन चैनल फाइंड एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों, ये सामान्य सा पानी दिखने में बिल्कुल भी विचित्र नहीं लगता है। हाँ, भले ही इस पानी में कोई रंग, कोई स्मेल ना हो, पर हमारे जीवित रहने के लिए यह तरल पदार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, यह बात कि पानी एक जिंदा तरल पदार्थ है और हमारी और आपकी बातों पर प्रतिक्रिया कर सकता है, यह बात सबसे पहले सामने रखी जापान के एक मशहूर साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो के नाम की वजह से ही इस थ्योरी का नाम इमोटो थ्योरी रखा गया। दरअसल डॉक्टर इमोटो यह देखना चाहते थे कि पानी किसी बात पर प्रतिक्रिया कर सकता है या नहीं। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले पानी को अपने सामने रखा और उसे अच्छी बातें जैसे कि सेटिस्फेक्शन, अच्छे काम करना, दूसरों की मदद करना, ऐसी सब चीजें सुनाई और फिर उस पानी को क्रिस्टलाइज किया और फिर उन क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप से देखा और उन्होंने देखा कि पानी के जो क्रिस्टल्स थे वो बहुत ही ज्यादा सुंदर बने थे, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। आप कह सकते हैं कि वो क्रिस्टल्स फूल की तरह दिख रहे थे। और जब उन्होंने उसी पानी को बुराई, भूत प्रेत, लड़ाई, आत्माओं और बुरी बातों के बारे में बताया तो उस पानी के क्रिस्टल्स बहुत ही अजीब से बने और उनका आकार कांटों की तरह दिख रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर इमोटो द्वारा 3 बार दोहराया गया और आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार पानी की ही उसी प्रकार की प्रतिक्रिया थी जो कि पहली बार में हुई। और इस एक्सपेरिमेंट को 3 बार करने का मोटिव यह था कि विज्ञान के हिसाब से अगर कोई भी चीज लगातार 3 बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया देती है तो इसका मतलब होता है कि वो कोई संयोग यानी कि कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि वह चीज हमेशा ही बिल्कुल उसी तरह की प्रतिक्रिया देगी। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद इस दुनिया में एक और रहस्य बनकर खड़ा हो गया है। क्या हम पूरी तरह से इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह थ्योरी सच में बिल्कुल ठीक है? क्या सच में पानी आपको और हमें महसूस कर सकता है? क्या पानी हमारी बातों पर प्रतिक्रिया दे सकता है? दोस्तों, आपका इस एक्सपेरिमेंट और इमोटो थ्योरी के बारे में क्या कहना है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और रुकिए दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट सीरीज के अंदर आप प्लीज मुझे वीडियो बनाने के लिए टॉपिक्स प्रोवाइड करें। अगर आप लोग नहीं जानते कि ये रिक्वेस्ट सीरीज क्या है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरी इस वीडियो को अभी खोल सकते हैं। ये सीरीज मैंने पिछली वीडियो से ही शुरू की है और इस वीडियो में इंट्रो के बाद मैंने पूरी रिक्वेस्ट सीरीज के बारे में बताया है, तो प्लीज आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस इमोटो थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पानी सच में हमारी बातों पर प्रतिक्रिया कर सकता है? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं।